अभी हम आपको हम पढ़ाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने कुछ चीज़ें आप लोगों को कल बताई थी बेसिक, अब मिसाल तौर से ये आपकी बुक है, बुक के अंदर दिया हुआ है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई से बाई सी, ठीक है। हम क्या करेंगे उसको, इसको सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, जेड मल्टीप्लाई बाई सी इक्वल टू जेड सी, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर वन। Now look here, 2x multiply by 3, तो हमने क्या किया, 2x multiply by 3, ठीक है, ठीक है, 2 time 3 and x, तो 6x, हमारा आंसर आ गया 6x। हमने क्या किया, जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है कोएफिशिएंट को अलग कर दिया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने जो आंसर आया वो हमने लिखा, ठीक है। डिवीजन, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन क्या लिखेंगे हम, डिवाइड w बाई v, डिवाइड w by d, ठीक है, डिवाइड w by d, हमने क्या किया, w divided by d, ठीक, बिगेन, तो ये डिवीजन है, ये डिवीजन है, उसको हम फ्रैक्शन में ले आएंगे हम w upon d, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि डिवाइड ए बी बाई सी, ये क्वेश्चन है, तो हमने क्या किया, ए सॉल्यूशन के लिए ए बी डिवाइडेड बाई सी, ठीक है, तो हमने क्या किया इसको, ए बी अपॉन सी, ये इसका आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर थ्री, लुक हियर, डिवाइड एक्स वाई बाई वाई, ठीक है, डिवाइड एक्स वाई बाई वाई, हमने क्या किया, ये एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स वाई अपॉन वाई, ठीक है, ये वाई वाई कैंसिल, आंसर इज एक्स। अस्सलामुअलैकुम, अभी हम आपको ग्रेड सेवन वाले बच्चों को हम पढ़ाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने कुछ चीज़ें आप लोगों को कल बताई थी बेसिक, अब मिसाली तौर से ये आपकी बुक है, बुक के अंदर दिया हुआ है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई से बाई सी, ठीक है। हम क्या करेंगे उसको, इसको सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, z मल्टीप्लाई बाय c इक्वल टू z c, ठीक है। अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 1। नाउ लुक हियर, 2x मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमने क्या किया, 2x multiply by 3, ठीक है,
2 times 3 and x. तो 6x, हमारा आंसर आ गया 6x. हमने क्या किया, जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है कोएफिशिएंट को अलग कर दिया, मल्टीप्लाई. ये क्वेश्चन है, लुक हियर, x plus y then divide by z. तो हमने सॉल्यूशन करना है, लुक हियर, x plus y, x plus y आ गया, ठीक, x plus y then divide by z. Now divide it by z, divide it by z. तो हमने क्या किया इसको, x plus y divided by z. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बस ये का राइट डाउन, लुक हियर, x plus y divided by z, then we have to write down x plus y bracket. फ्रैक्शन में हमने इसको इस सूरत में लिखना है, ठीक. Now look here, product of 2x and y. Look here, question. Product of 2x and y. Solution. Now look here. Very easy. 2x multiply by 1. Product means multiply. When you are saying product, it means multiply. Product means multiply. कुछ और नहीं होगा. Division नहीं. Addition नहीं. Subtraction नहीं. प्रोडक्ट माने होता है मल्टीप्लाई. तो हमने 2x को y के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ गया हमारा 2xy. वेरी सिंपल. Another example, five x divided by y, ठीक है, five x divided by y. तो हम क्या करें, ना लुकिया, वेरी इजी सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन 5x डिवाइडेड बाय y, ठीक है, लुकिया डिवाइडेड बाय, डिवीजन का साइन ये है, तो डिवाइडेड बाय y, डिवीजन, डिवीजन लिखा उससे y, तो हमें क्या 5x अपॉन y, ये हमारा आंसर आ गया 5x अपॉन y ऑफ 2 x and y. तो हमने क्या किया, 2x को y से multiply कर दिया हमने, ठीक है, 2x को y से multiply किया 2xy, ठीक है, ये हमारा product आ गया. ये क्या है, product है, product of 2x and y, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया 2xy. अब कहता है कि सबट्रैक्ट 4, किसमें सबट्रैक्ट करना है, प्रोडक्ट में से सबट्रैक्ट 4, ठीक है, सबट्रैक्ट 4 मींस नेगेटिव 4, ठीक है, सबट्रैक्ट 4 मींस नेगेटिव 4. तो हमने क्या किया, सबट्रैक्ट 4 प्रोडक्ट में से हमने क्या किया, 2xy -4, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हमारा आंसर क्या आ गया.